नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के ऑफिस में। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड विनोद बोरासी जी को जो कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसकी सूचना उन्होंने खुद धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह को दी। आपको बता दें कि जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी से भी हमने इस बात की पुष्टि की है कि होमगार्ड कमांडेंट को कोरोना पॉजिटिव निकला है। आपको बता दें कि उन्होंने सैंपल दिया था, उस दिन के बाद वह अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन किया था। मान डैम के समीप वीआईपी गेस्ट हाउस में उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया था। उनका जो परिवार है उनसे वह अलग रह रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने जो है जब क्वारंटाइन किया था तो वहाँ के रेस्ट हाउस के जो संचालक हैं उनको सूचना नहीं दी थी कि वो सैंपल देकर आए हुए हैं। वही उन्होंने किसी भी स्टाफ को वहाँ पर नहीं बताया था कि वह सैंपल दे के आए, ना ही उन्होंने किसी अधिकारी को ये सूचित किया था कि वह सैंपल दे कर आए। लेकिन जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि उन्होंने उनसे पूछा था कि वह क्वारंटाइन कहीं और रह सकते हैं क्या, तो जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी ने उन्हें बताया था कि वे होटल में या कहीं और क्वारंटाइन रह सकते हैं, लेकिन वह मान डैम के समीप जो सरकारी गेस्ट हाउस है उसमें जाकर क्वारंटाइन हुए। जिससे कि जब उन्हें टीम लेने के लिए पहुंची, कोरोना पॉजिटिव उनका आया, उसके बाद जब टीम लेने के लिए पहुंची तो जीराबाद क्षेत्र में जो है हड़कंप मच गया, क्योंकि अभी जीराबाद में एक भी कोरोना पॉजिटिव तो अभी तक नहीं आया है। जैसे ही लोगों ने वहाँ पर टीम को देखा तो लोग दहशत में आ गए, लोग पता करने लगे। आपको बता दें कि जब उनको लेकर पहुँचा गया, लोग पूछने लगे, तब पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो बोरासी हैं वो यहाँ पर ठहरे हुए थे, उन्हें कोरोना पॉजिटिव निकला है, उन्हें धार में उपचार के लिए लाया गया है। सबसे बड़ा सवाल कि उन्होंने खुद को क्वारंटाइन जो किया, या तो उन्हें होम क्वारंटाइन होना था या उन्हें हॉस्पिटल के में क्वारंटाइन सेंटर में जाना था, लेकिन उन्होंने खुद को मान डैम के समीप वीआईपी गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन किया, कैसे किया, ये सबसे बड़ा सवाल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। देखता है।